तो नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री को किस प्रकार से ऑनलाइन शिकायत करेंगे, क्योंकि यहां पे यूपी जन सुनवाई में बहुत सारे लोग कॉल करके शिकायत करते हैं लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाता। तो हम आपको ऑनलाइन मेथड बताएंगे जहां पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपके पास अगर कुछ प्रूफ है उसको भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपके निराकरण होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको शिकायत करने के लिए jansunwai.up.nic.in इस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप DM, SP, IGDI, GSP सभी के खिलाफ कंप्लेन यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला, शिकायत का पंजीकरण, और दूसरे ऑप्शन से आप जो शिकायत ऑलरेडी कर चुके हैं उसका स्टेटस चेक करेंगे। तीसरे ऑप्शन से आप जो नहीं करते हैं, अगर आपने शिकायत कर दिया है और काफी दिनों तक कार्यवाही नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। और चौथे ऑप्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपके बिना सहमत के निराकरण कर दिया जाता है, तो उसमें आप उस कंप्लेन से रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं। ये चारों ऑप्शन आपके काम के हैं। तो अभी हम आपको शिकायत करके बताएंगे। इसके लिए एंड्रॉइड का ऐप भी है। अगर जिन लोगों को मोबाइल से कंप्लेन करना है, आप इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शिकायत पंजीकरण में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से कंप्लेन आप यहां पर नहीं कर सकते हैं, जैसे RTI से रिलेटेड या कोर्ट में कोई कंप्लेन चल रहा है उससे रिलेटेड, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं नौकरी या सहायता के लिए या ट्रांसफर के लिए, ये सारी चीज अगर आप हैं तो इस प्रकार के आपको शिकायत यहां पे नहीं करना है, नहीं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो इससे आप सहमत होंगे और सबमिट करेंगे। अब देखिये, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के OTP भेजे में क्लिक करेंगे। देखिए, OTP हमारे मोबाइल पे आ चुका है। OTP डाल के हम सबमिट करेंगे। कि सबमिट करने के बाद इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जिन फील्ड में स्टार लगा हुआ है उनको आपको भरना मैंडेटरी है, यानी उसमें डिटेल भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब यहाँ सबसे ऊपर देखिए है सामूहिक शिकायत का ऑप्शन है, यानी अगर आप ग्रुप में किसी की शिकायत करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर करना चाहते हैं तो सभी एक साथ कर सकते हैं। नाम में आपको कामा लगा लगा के और जितने लोग हैं सभी का नाम लिख देना है। अभी हमारा ग्रुप शिकायत नहीं है, इंडिविजुअल हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, इधर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल आईडी दे सकते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संदर्भ का प्रकार, शिकायत, मांग, सलाह, अन्य, चार कैटेगरी हैं, यानी आपकी शिकायत की श्रेणी क्या है। तो हमें अभी शिकायत करना है। यहाँ पे अगर आपकी कुछ मांग या सलाह है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हमें विभाग का चयन करना होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट में हमको कंप्लेन करना है। देखिए, इसमें सारे डिपार्टमेंट जितने उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम आपको दिखाने के लिए आबकारी विभाग सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि आप की समस्या क्या है। ओवर रेटिंग है, दुकान हटाना है कोई, से शराब की दुकान का आवंटन से संबंधित है, गलत आवंटन हुआ है, नकली अवैध शराब कहीं बिक रही है इससे रिलेटेड है, प्रतिबंधित नशाखोरी, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन जो आपका है उसको डिटेल में यहाँ पे लिखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको बताना है, अगर सपोज कर लेते हैं हम नकली शराब के बारे में शिकायत कर रहे हैं
तो आपको डिटेल में बताना है कि यहाँ पे नकली शराब बेची जा रही है, शराब की तस्करी की जा रही है, जिसकी शिकायत आपने पहले की थी संबंधित थाने में या आबकारी विभाग में, पर उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ है तो बहुत अच्छा है, तो आपका जो कंप्लेन है वो डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, जिससे आपका सलूशन सही समय पे हो जाए। बहुत सारे लोग फोन लगा के शिकायत करते हैं, प्रॉपर शिकायत नहीं हो पाती, ना फॉलो अप हो पाता, जिससे उनका निराकरण कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे आप शिकायत प्रॉपर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप दोनों में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम है तो आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, गूगल में जाके, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इंग्लिश में भी टाइप करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, इसको ले जाके यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, तो आप दोनों में लिख सकते हैं। अब ये सारी डिटेल होने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखिए अपना आप एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप किस रीजन से संबंधित आप शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पे जनपद पंचायत एक चुन लेंगे, जो भी आपका होगा, फिर एक तहसील यहाँ पे आप चुन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे विकास खंड, उसके बाद ग्राम सभा, फिर यहाँ पे राजस्व ग्राम जो आपका है वो थाना, यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, तो जो भी आपका थाना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, अगर यही ऊपर का आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे सेम कर दीजिए, अगर आप रहते किसी दूसरे एड्रेस में है तो यहाँ पे आप पता लिख देंगे। अब देखिए अगर आपने पहले शिकायत की है और आपका निराकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप वो नंबर डाल दीजिए कि आपने शिकायत पहले की थी पर आपके शिकायत का निराकरण किए बिना आपकी शिकायत बंद हो गई, या आपने कहीं और शिकायत की है, सपोज थाने में जाके की है, उसका कुछ रेफरेंस नंबर है आप डाल सकते हैं, पीट शिकायत की है उसका रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, और आपके पास जो रिसीविंग है पुरानी कहीं भी आपने जो शिकायत किया है, यहाँ पे आप PDF JPG फाइल में 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं, तो आप फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, इस प्रकार से फाइल अपलोड हो जाएगी। अब ये सारी चीज होने के बाद संदर्भ सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे, जैसे ही सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारा कंप्लेन दर्ज हो जाएगा, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम होम पेज में चलते हैं। अब होम पेज में आने के बाद आप शिकायत की स्थिति लगभग एक हफ्ते बाद आप यहाँ पे जाके शिकायत नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आप शिकायत को चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। उसके अलावा अगर ज्यादा समय लगता है तो यहाँ से आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको शिकायत एकदम सटीक करना है, और शिकायत करने के पहले आपके पास कुछ अगर प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, आपके निराकरण के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तीसरा, आपको फॉलो अप जरूर लेना है, बीच बीच में अपने शिकायत की स्टेटस आपको चेक करते रहना है, बहुत बार आप शिकायत करके भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता, और अगर आपको टाइम लगता है तो बीच बीच में आपको रिमाइंडर भी देना है। तो अगर आप इस प्रकार से शिकायत करेंगे तो यहाँ पे आपका निराकरण लगभग हो जाता है, क्योंकि काफी अच्छा पोर्टल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसे बहुत सारे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है और सरकार की जवाबदेही तय होती है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।